देख रहे ई क्राइम योर शहर आपका खबर हमारी स्पोर्ट्स खबर का होगा आशा। आइए नजर डालते हैं उन्नाव उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। स्वागतपुर ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मार्ग निर्माण की मांग भी की है। स्वागतपुर से मियांगंज मार्ग बड़े बड़े खड्डों में हुआ तब्दील, जिससे आए दिन हादसों के शिकार होते हैं यहाँ के ग्रामवासी और क्षेत्रवासी। आपको बताते चलूं, विकास खंड हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सकतपुर से होते हुए मियांगंज जाने वाला मुख्य मार्ग 17 वर्ष पूर्व जिला पंचायत द्वारा निर्माण कराया गया था। इससे मुंशीगंज मोड़ से होते हुए 2 किलोमीटर मार्ग का डामरीकरण कराया गया था और आगे का 2 किलोमीटर मार्ग खंजा मार्ग है। अब वो डामरीकरण और खंजा मार्ग पूरी तरह से चल और बड़े बड़े खड्डों में तब्दील हो गया है, जिससे यहाँ के दर्जनों गांव इस मार्ग पर जो जुड़े हुए दर्जनों गांव की जनता और विद्यार्थी को प्रतिदिन आवागमन करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के विद्यार्थी इस जर्जर और खड्डों युक्त मार्ग पर हादसों के शिकार होते हैं आए दिन, जिसको लेकर सकतपुर और क्षेत्रवासियों ने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मार्ग निर्माण मरम्मत करवाने की मांग की है। इस मुख्य मार्ग सकतपुर नटेरा बमऊ सुरावली किरमली निजामपुर सारंगघाट बनौनी और दर्जनों गांव का आवागमन प्रतिदिन बना रहता है और यह मार्ग मुंशीगंज मार्ग से सीधे मियांगंज चकलों से मार्ग में जुड़ा हुआ है। इस मार्ग की समस्या को लेकर यहाँ के दर्जनों ग्रामवासी क्षेत्रवासी बम्बालाल विधायक साक्षी मार्च सांसद और पूर्व जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे को प्रार्थना पत्र दिया और प्रार्थना पत्र देकर वर्षों गुजर गए, लेकिन अभी तक समस्या का कोई भी निस्तारण नहीं हुआ, जिसे त्रस्त होकर यहाँ के ग्रामवासी क्षेत्रवासी जिलाधिकारी को शिकायत पत्र व देकर मियांगंज मार्ग सकतपुर से मियांगंज मार्ग निर्माण कराने की मांग की है, जिससे जिलाधिकारी ने आश्वासन भी दिया, आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही समस्या का निस्तारण कर दिया जाए।